एक जंगल में एक शेर रहता था जो उस जंगल का राजा था। रोज वह जंगल में शिकार करने जाता और उस शिकार को मार करके अपनी गुफा में ले आता। वह आराम से भोजन करता और सो जाता। उसके भोजन करने के बाद एक लोमड़ी चुपके से उसकी गुफा के पास आकर उसका बचा कुचा भोजन खाकर वहाँ से चुपचाप चली जाती। संयोगवश एक दिन गजुदर नाम का तेंदुआ भी उसी शेर की गुफा के पास आ पहुँचा। लोमड़ी ने उसे देखा और उसे वहाँ से चले जाने को कहा। लोमड़ी को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य जानवर का दखल सहन नहीं था, लेकिन तेंदुआ भी कम चतुर न था। वह लोमड़ी से बोला, अरे लोमड़ी मासी, आप मेहमान से इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकती। मैं तो आपका मेहमान बनकर आज यहाँ पर आया हूँ, कुछ तो मेरी सेवा कीजिए। तेंदुए की बात सुनकर लोमड़ी ने बोला, ठीक है, तुम यहाँ पर रात भर रुक तो सकते हो, लेकिन शेर राजा को यह बात पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है लोमड़ी मासी, जैसा आप कहो बिल्कुल वैसा ही होगा, आप चिंता मत करो। तेंदुआ गुफा में छुपकर शेर राजा की प्रतीक्षा करने लगा। शाम होने पर शेर राजा शिकार लेकर वहाँ पर आए और अपना भोजन खाकर सो गए। उसे देखकर तेंदुआ सब भूल गया और जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने पहली बार चखा था, इसलिए वो वहीं उछल कूद करने लगा। इसी उछल कूद में वो एक दो बार शेर के ऊपर भी गिर गया। इसी के चलते शेर राजा की नींद खुल गई। उसने जोर की दहाड़ मारी। चतुर तेंदुआ दहाड़ सुनकर जंगल की ओर भाग गया और वहीं छिप गया, लेकिन कोने में बैठी लोमड़ी शेर की नजरों में आ गई। शेर ने लोमड़ी को जोर से पंजा मारा और वहीं पर ढेर कर दिया।